सुप्रीम कोर्ट में योगी मोदी सरकार को बड़ा झटका, सिखाया सबसे बड़ा सबक। नोटिस देकर मोदी योगी सरकार से मांगा जवाब। कोरोना फैले तो मुसलमान, देश में दंगे भड़के तो मुसलमान, हर का जिम्मेदार मुसलमान, हर समस्याओं को बीजेपी ने मुसलमान से जोड़ दिया। अल्पसंख्यक होने के नाते मुसलमान को मदरसा चलाने की मिलने वाली आजादी को भी लिया छीन। पहले भाजपा सरकार ने इसे जिहाद सीखने का अड्डा बता दिया, बदनाम किया, फिर हाईकोर्ट के सहारे मदरसों पर लगा दिया बैन। मदरसों को बंद करके 17 लाख छात्रों को कर दिया शिक्षा से दूर। लेकिन इस बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी को लगा है जोर का झटका। CGI ने अपने फैसले से मोदी योगी सरकार को जड़ दिया तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। आखिर पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताते हुए असंवैधानिक ठहरा दिया था। हाईकोर्ट ने माना था यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21A का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को नियमित सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मानक पूरा न करने वाले सभी मदरसों की मान्यता गुरुवार को खत्म कर दी थी। यह आदेश अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर पारित किया गया था। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पलट दिया है। अंजुम कादरी और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक प्रकृति का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत ने कहा हाईकोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मदरसा बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई करेगा। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने किया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG KM नटराज ने अंतरिम रोक आदेश का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने क्या तर्क दिया? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG KM नटराज ने अंतरिम रोक लगाने का आदेश का विरोध किया था। नटराज ने कहा राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया है, कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे, इसमें सरकार कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्य सरकार का सालाना 1,096 करोड़ रुपए मदरसों पर खर्च करने का भार कैसे डाला जा सकता है? उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कानून का बचाव किया था, लेकिन कहा संवैधानिक अदालत का फैसला आने के बाद सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला हो या फिर कोई और मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुले शब्दों में कह दिया अगर सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इस खबर से, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।